सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने घरों में गैस लाइटर को कैसे ठीक कर सकते हैं। कई बार होता है क्या, गैस लाइटर जब ख़राब हो जाती है तो उसे या तो हम फेंक देते हैं या नए ले आते हैं। तो ऐसे में आप अपने घरों में खुद से लाइटर को ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा लाइटर है वो ख़राब हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा लाइटर जो है वर्क नहीं कर रहा। तो आज मैं इसी को ठीक करने के लिए बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू। ठीक करने के लिए आपको दो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। वो पहला है ये इस तरह का एक पेचकस आपके पास होना चाहिए और दूसरा जो है इस तरह का सरेस कागज़ होना चाहिए छोटा सा। ये दो चीज़ें आपके पास है तो आप लाइटर बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सबसे पहले इसे खोलना है। तो ये खोलना कैसे है, इस तरह से अगर आप घुमाते जाएंगे तो ये जो है खुल जाएगा। देख सकते हैं ये खुल गया और सारे पार्ट्स को आपको एक एक तरह से इस तरह से रखना है कि बाद में आप पार्ट्स को लगाते समय भूल ना जाएँ। उसके बाद देख सकते हैं इस तरह से सब पार्ट्स को रख दीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं एक वाशर लगा हुआ है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पेचकस की मदद से हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से डालना है पेचकस को और नीचे जो है इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसे तो देख सकते हैं इससे जो है इतना सारा पार्ट्स जो हमारा वो निकल चुका है। तो आप इस तरह से सारे पार्ट्स को खोल लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं सारा पार्ट्स हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये जो चीज़ें ये जो प्रॉब्लम होती है ये इस पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसके वजह से होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम निकालेंगे, इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे बाहर। इस वाशर को हम पहले बाहर कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे खींचना है। तो इसे खींच लेना है, इसे जो पार्ट्स देखिए इस तरह की एक पार्ट्स भी इसे निकला है। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स और होने चाहिए। इसे निकालने के लिए आप इसे इधर से थोड़ा सा धक्का देंगे तो ये जो है निकल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा पेचकस की मदद से आप इसे। तो देख सकते हैं इसके अंदर से कुछ पार्ट्स और निकल चुके हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का पार्ट्स है और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे जंग लगने के कारण होती है, कुछ कचरे जमा हो जाने के कारण होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे पार्ट्स को एक जगह सही से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सरेस कागज़ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम घस लेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन जो हमारा हट चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से घिस लेंगे। हमें कार्बन यहाँ पे हटा देना है तो इस तरह से भी जो यहाँ पे हम सफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी जो है हमारा कार्बन वो लग चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बाहर निकालने के बाद इस तरह से हम घिस लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं यहाँ पर हमने कार्बन को हटा दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब जो है जिस तरह से सारा पार्ट्स लगा हुआ था आपको उसी तरह से सेम प्रोसेस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसे लगा देते हैं इसमें, इस तरह से लगा हुआ था ये और यहाँ पर जो है इस तरह से लगा हुआ था, इसको हम साइड करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पार्ट्स को इस तरह से लगाना है। देख सकते हैं इसे जो है इस तरह से लगाना है। उसके बाद क्या था, इसके बाद हमें ये चीज़ें लगानी है तो इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद जो है हमें ये चीज़ें लगा लेनी है।
अब हमें क्या करना है, अब जो है हमें ये लगाना है, तो ये लगाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैं इस फिर से दिखाता हूँ, इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगा लेना है और दबा देना है थोड़ा सा। उसके बाद जो हमारा काम है, ये वाशर आप देख सकते हैं, इस वाशर को यहाँ पे आपका टेढ़ा हो गया है, तो इसे आपको सीधा कर लेना है। तो हम चलिए इसे पहले सीधा कर लेते। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस वाशर को जो है सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें लगा लेना है, जिस तरह से लगा हुआ था हमने उसी तरह से लगा दिया है। अब क्या करेंगे हम, इस मोटे वाले वाशर को क्या करेंगे हम, इसमें डाल इसमें लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से लगाना है। अब जो है हमें इसमें जो है डाल लेना है, इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देना है, क्योंकि लगने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इस तरह से लगा लेना है। अब क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम ये जो प्लास्टिक की जो पाइप है, इसे हम इसमें डालेंगे इस तरह से, थोड़ा सा दबाते जाएंगे। तो ये जो है इसमें चला गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग है देख सकते हैं, ये इसी तरह से लगा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से लगाने के बाद आपको इस यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से लगा लेंगे, और यहाँ पे लगाने के बाद हम इसे यहाँ पे इस तरह से लगाना है, और जो है अब हमें इसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे लगा लिया है, देख सकते हैं ये लग चुका है इसे। अब यहाँ पे हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चिंगारी जो है यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैं आपको चेक दिखाता हूँ, यहाँ पे चिंगारी जो है निकलनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप भी अपने घरों में कोई भी लाइटर को रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो ख़राब हो गया हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।